दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अभी के समय में लगभग सभी के घरों में बिजली कनेक्शन है। ऐसे में अगर आपके घरों का बिजली मीटर खराब हो गया या फिर सही से काम नहीं कर रहे या फिर वो रीडिंग गलत दे रहे हैं या फिर उनका डिस्प्ले जो है सो वो जल गया या पूरा मीटर ही जल गया या फिर जो बिजली बिल जनरेट करके दे रहे हैं वो बिल सही से जनरेट नहीं हो रहे, बिजली बिल ही नहीं निकल रहा है या फिर जो बिजली बिल है उसमें आपका नाम या फिर एड्रेस या अन्य कोई भी जानकारी गलत है, तो ऐसे में आप घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत करके अपने बिजली मीटर या बिजली बिल में सुधार करवा सकते हैं। सो आगे इस वीडियो में आपको इसी से जुड़ी पूरे विस्तार से बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने बिजली मीटर या बिजली बिल में सुधार करा पाएंगे, किस तरह से आप शिकायत करेंगे, पूरे विस्तार से जानकारी मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे इस पर हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगर आपके मीटर में या फिर आपके बिल में किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी है, खराबी है, उन्हें आप सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत करना होगा। अब शिकायत करने के लिए सबसे पहले बिजली विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको आना होगा। तो अगर आप नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। अगर आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हैं तो साउथ बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड, इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। दोनों वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ सकते हैं। दोनों का जो कंप्लेन प्रोसेस है वो सेम है, तो मैं यहाँ पे नॉर्थ बिहार का बताने वाला हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो इस तरह से नॉर्थ बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। अब यहाँ पे दोस्तों की आपको साइड कॉर्नर में कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा ऑनलाइन कंप्लेन, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो पहले नंबर में दिया गया कंप्लेन रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब कंप्लेन रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए अगर आप जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो शहरी क्षेत्र का जो कंज्यूमर नंबर है यानी कि जो आपका उपभोक्ता संख्या है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर यानी कि सीए नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद वो कंज्यूमर नंबर किन के नाम से है उनका नाम आप लिख सकते हैं या फिर जो व्यक्ति कंप्लेन कर रहे हैं वो भी अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक का नाम लिख लीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ से आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है कौन से डिवीजन से आते हैं, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपको सब डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट कर लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह सेशन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका जो भी आपका फुल एड्रेस है वो एड्रेस आपको इन तीनों कॉलम मिला के फुल एड्रेस लिख लेना है। यहां से आपको कंप्लेन कैटेगरी बताना होगा कि किस तरह का आपका कंप्लेन कैटेगरी है, तो यहां देखिए टोटल चार है तो मैं आपको चारों का जो सो बताने वाला हूं। सबसे पहले बिलिंग रिलेटेड पे क्लिक करें तो यहां देखिए बिलिंग से जुड़ी देखने को मिलेगा काफी ज्यादा ऑप्शन, जैसे कि बिल नॉट रिसीव, फाइनल बिल रिलेटेड, उसके बाद फर्स्ट बिल नॉट जनरेटेड, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो और भी है। उसके बाद यहाँ देखिए इनकरेक्ट इन्फो ऑन बिल, इनकरेक्ट नेम एड्रेस ऑन बिल यानी कि आपका नाम और एड्रेस बिल में गलत आया है, या फिर यहाँ पे देख सकते हो और भी यहाँ पे देखने को मिलेगा इनकरेक्ट ट्रैफिक लोड फेज या पेमेंट क्रेडिट नॉट रॉन्ग चार्ज रिलेटेड। तो अगर आप में जो भी प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे शिकायत करना चाह रहे हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बिलिंग रिलेटेड नहीं है, आपका मीटर रिलेटेड है, तो आपको मीटर रिलेटेड पे इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ से कंप्लेन सब कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, जिनमें कि आप देख सकते हैं चेक रीडिंग ऑफ प्रेमिस लॉक या फिर जो सो डिस्प्ले फॉल्ट यानी कि आपके मीटर में डिस्प्ले ही नहीं जल रहा, खराब हो गया, तो उसके रिगार्डिंग शिकायत कर सकते हैं। उनका यहाँ देखिए ग्लास ब्रोकन, उसका यहाँ देखिए और भी दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं मीटर जो सो ब्रंट हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ देखिए मीटर डिफेक्ट हो गया, मीटर फास्ट चल रहे हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आपके मीटर में जो भी प्रॉब्लम है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब अगर आपका मीटर रीडिंग नहीं है, मीटर से जुड़ी नहीं है, अन्य है, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको कई सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, बिल रिसीव लेट यानी कि आपको देर से बिल दे रहे हैं, या फिर करेक्शन ऑफ नेम एड्रेस, आपके बिल में नाम एड्रेस सब गलत है वो सुधार करना चाह रहे हैं, या फिर अन्य कोई भी है यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लीकेट बिल रिक्वेस्ट, डुप्लीकेट बिल निकलवाना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ देखिए हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चयन कर लीजिए। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए मैं अपने बिल में जो सो नाम और एड्रेस चेंज कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको करेक्शन ऑफ नेम एंड एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपका प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए इसमें चौथे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए
सप्लाई रिलेटेड है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सप्लाई से जुड़ी दिया गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा जो है यहाँ पे नाम और एड्रेस चेंज कराने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों आपको जो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहले नंबर में देखने मिल जाएगा करेक्शन ऑफ नेम और एड्रेस, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप इनमें से देख लीजिए कि आपका किस तरह का प्रॉब्लम है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक शॉर्ट एप्लीकेशन लिख लेना है, जो भी आपका शॉर्ट एप्लीकेशन है तो वो यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन के रूप में लिख लीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इन्हें मैं ये सुधार कराना चाह रहा हूँ, करेक्शन कराना चाह रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के रूप में लिख लेना है। और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा वो वैसे कैप्चा एंटर करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करें तो आपका सफलतापूर्वक बिजली विभाग में आपका कंप्लेन जाएगा, इनके हेड ऑफिस में जाएगा, उनका जो आपका नजदीकी सब डिस्ट्रिक्ट होगा वहां सेंड किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपके जो भी रिलेटेड कंप्लेन है उन्हें वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अब चेक करने के बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपका मीटर जल गया, खराब हो गया, तो ऐसे में उनके द्वारा आएगा अधिकारी, जो भी मतलब वर्कर सब होते हैं जो मीटर सब चेंज करते हैं, वो आपका जो मीटर चेंज करके चला जाएगा। अब अगर आपका नाम एड्रेस है तो ऐसे में आप नाम एड्रेस सुधार करा पाएंगे। तो इस तरह से सबमिट बटन पे जैसे क्लिक तो आपको एक जो सो कंप्लेन नंबर मिल जाएंगे, उनका आप स्टेटस भी देख पाएंगे। अब स्टेटस कैसे देखेंगे, तो स्टेटस देखने के लिए सिंपली आपको ऑनलाइन कंप्लेन में ही आ जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये जो दूसरे नंबर में दिया गया कंप्लेन एस आर स्टेटस, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो जो आपको जो सो कंप्लेन नंबर मिला है या एसआर नंबर, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा एंटर करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करें तो जो भी आपका स्टेटस होगा वो आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब दोस्तों का ये तो हो गया ऑनलाइन, घर बैठे आप कैसे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके शिकायत करेंगे या फिर कंप्लेन करेंगे और किस तरह से आप सुधार करवा सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपको ऑनलाइन नहीं आता है, तो ऐसे में आप डायरेक्ट कॉल करके भी अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और जो भी आपका प्रॉब्लम है उन्हें आप सॉल्व करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली इस तरह से ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको एक नंबर देखने को मिलेगा, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912। इस 1912 पे आपको कॉल करना है और कॉल करने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है कस्टमर केयर को बताना है, वहां पे आपका शिकायत नोट किया जाएगा और शिकायत नोट करने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उन्हें सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे ही अपने मीटर रिलेटेड या फिर फेज ज्यादा फेज आ रहा है या फिर आपके बिल में कोई प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उन्हें आप सॉल्व करा सकते हैं और सुधार करा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।